हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी शाम का समय है और लगभग 6 बज रहा है, तो मैं पिठा की तैयारी शुरू कर दी हूँ, क्योंकि बनाते बनाते ये बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। तो आज मैं बहुत सारे तरह तरह के पिठाई बनाऊँगी, जैसे मेरे घर पे बनता था मायके में, तो मैं उसी तरीके से आज पिठा बनाऊँगी। तो आप लोग भी देखिएगा किस तरीके से मैं पिठा बनाती हूँ, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। तो ये खोवा है, सॉरी पेड़ा है, तो इसको मैं पहले अच्छा से छीट लूँगी और इसमें मैं गुड़ डाल के अच्छा से मैश कर लूँगी। तो इस पर ज़्यादा, ये तो ऑलरेडी मीठा होता है, तो इस पर ज़्यादा गुड़ नहीं डलाएगा, थोड़ा ही गुड़ डालना है। तो इसमें मैं थोड़ा गुड़ डाल के अच्छा से इसको मसाला बना कर रख लूँगी। और इधर मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि जो चावल का आटा है वो गर्म पानी से ही सनाता है, उसका बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छा से होता है। तो इसीलिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ, तो उसे बहुत ज़्यादा गर्म करूँगी। और ये है चावल का आटा, तो इसे मैं इसमें सानूंगी अच्छे से। और ये कुकर में मैं आलू चढ़ाई हूँ, तो आलू का भी मैं बनाऊंगी पिठा आलू भर के, तो उसका भी मसाला मैं तैयार करूंगी। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से बनाऊंगी पिठा। तो ये मैं पूरा चावल को ले लूँगी और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा गर्म पानी दे के पहले मैं इस कलछू से चलाऊंगी, उसके बाद मैं हाथ लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो हाथ लगाइएगा तो जल जाएगा। तो पहले आप ऐसे ही ले लीजिएगा कोई झंझरा या छोलनी, और उसे ऐसे थोड़े थोड़े दे के चलाइएगा, तो ये बहुत अच्छा से हो जाता है। तो इस पे और पानी पानी पड़ेगा, तो मैं और पानी गर्म कर लूँगी और इसमें डालूँगी पानी। तो ये गर्म हो चुका है पानी, तो मैं अभी और पानी गर्म कर रही हूँ। तो ये जब तक गर्म हो जाएगा तो इसमें और मैं पानी डाल के अच्छे से इसको सानूँगी। तो ये देखिए, हाथ में लगाई तो बहुत ज़्यादा था, तो ये पूरा जल, हल्का सा जलन टाइप का लगा, तो मैं छोड़ दी और इसे अच्छे से मैं चला रही हूँ।
Thank you.
बढ़ के कर्म क्या अब ठोक सके तो ठोक ले दुनिया। हम दोनों बेमिसाल सज धज के कमाल बाहें डाले हुए बाहों में जो नाचे ढिंढोरा बाजे रे जाने हैं।